गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जो पूरे भारत में पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था। गणेश उत्सव के दौरान लोगों के घरों में बप्पा विराजमान होते हैं और 10 दिनों तक उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। आइए जानते हैं कि देश में बड़े पैमाने पर गणेश उत्सव का प्रारंभ किसने किया। भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाए जाने वाले इस त्योहार की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या भूमिका रही है। गणेश उत्सव मनाने की परंपरा महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से ही है। भारत में मुगल शासन के दौरान अपनी सनातन संस्कृति को बचाने हेतु छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी माता जीजाबाई के साथ मिलकर गणेश महोत्सव की शुरुआत की थी। शिवाजी महाराज के बाद पेशवा राजाओं की ओर से गणेशोत्सव को आगे बढ़ाया गया। पेशवाओं के बाद 1818 से 1892 तक के काल में यह पर्व हिंदू घरों के दायरे में ही सीमित होकर रह गया। गणेश उत्सव को निजी तौर पर या छोटे पैमाने पर मनाया जाता था। इसके पीछे मुगल विदेशी आक्रांताओं की धार्मिक प्रताड़ना थी। हिंदू समाज के लोग अपने घरों में ही भगवान गणपति की पूजा किया करते थे। गणेशोत्सव को राष्ट्रीय पहचान दिलाई स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। तिलक ने लोगों के आत्मविश्वास को जगाने और उनके अंदर ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़े होने के लिए गणेश पूजा को फिर से लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया। आम जनमानस को एकजुट करने के उद्देश्य से उन्होंने गणेशोत्सव को घरों की बजाय सार्वजनिक स्थल पर मनाने की परंपरा प्रारंभ की। इस तरह 1893 में पुणे में सार्वजनिक स्थल पर पहली बार गणेश उत्सव का बड़ी ही श्रद्धा के साथ श्री गणेश हुआ। गणेशोत्सव को स्वतंत्रता की लड़ाई, समाज को संगठित करने व आम आदमी का ज्ञान वर्धन करने का माध्यम भी बनाया गया। एक समय ऐसा भी आया जब अंग्रेज भी गणेशोत्सव के बढ़ते स्वरूप से घबराने लगे। गणेशोत्सव के दौरान युवकों की टोलियां सड़कों पर घूम घूम कर अंग्रेजी शासन विरोधी गीत गाती थी और स्कूली बच्चे पर्चे बांटते थे, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाने और विद्रोह करने का आह्वान होता था। गणेशोत्सव की स्वतंत्रता की लड़ाई में अहम भूमिका रही। तब से लेकर आज तक महाराष्ट्र सहित देश भर में इस महापर्व को श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।